यदि आपको नज़र आ रहा है सामान, देख रहे हो कैसे फैला हुआ है इधर, तो इसको हटाते हैं जादू से। तो भैया जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भैया जी कुछ दिन पहले हैं हम अपने एक दोस्त को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। मैं वही आ रहा, दुकान के पास आ रहा। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, आज भाई का बर्थडे है। और ट्रेन चलने वाली है, वो भी भैया लास्ट टाइम तक रुके, एंजॉय लिया हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा आज हमें। ट्रेन ने उड़न दे दिया और सिट्टी भी मार दी दबा के, येलो सिग्नल भी हो गया वहां पे। अभी अभी तो आई ग्रीन ने भी यार, अभी तो लेगा मतलब। दो दिन पता क्या है इसमें, दो दो दो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, दो 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 दो। ला, 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 चलो ठीक है, बाय भैया, चल आराम से एंजॉय में पहुंच, मजे से। आराम से जाना ठीक है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल याद रहेगा 10-20 साल तक। ये कुछ बोलेगा ना, चल ठीक है बोला। मुझे पता है तू देखता रहेगा अभी वहाँ। भाई आराम से जाना, उसको बंद कर ले ढक्कन को। ठीक है भाई, ड्यूटी है अपने जाने हैं, चल भाई। तो भैया जी इनका नाम सागर है, ये मेरी पहले वीडियो में भी आ चुके हैं, और इनका बर्थडे था तो हम चाह रहे थे कि सेलिब्रेट करें ट्रेन में बैठ के ही, केक काटे, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जब हम पहुँचे वहाँ ट्रेन निकलने ही वाली थी, लास्ट मोमेंट पे हम पहुँचे। अरे भैया जी एक बार रिवर्स लो आप, बहुत आगे चले गए। रिवर्स? भैया जी हम भूल गए थे, मेन कैरेक्टर व्लॉग के यही है, इनका नाम मोहन है और हम इनसे लगभग लगभग 8 या 9 साल छोटे हैं, बट हम बचपन के दोस्त हैं इनके, मेरे बचपन के। उनका जब मैं उनका दोस्त था तो मेरा बचपन नहीं था, सॉरी उनका बचपन नहीं था तब मेरा बचपन था। आपको हम बता दें ये पिछले 12 से 13 साल से रेल में सफ़र कर रहे हैं। रेल में सफ़र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आर्मी में हैं, और जब मैं 10वीं या 12वीं क्लास में रहा होऊंगा, 12वीं नहीं 10वीं या 11वीं क्लास में रहा होऊंगा, जब इनकी आर्मी में जॉब लग चुकी थी, तो यहाँ से हमारा सफ़र और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। जैसे ही आर्मी में गए तो हमने एक कोर्स शुरू किया जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस था, तो हमने टाइपिंग शुरू की, फोटो स्टेट शुरू की, किसी के पास हम जॉब करने लगे और अपनी 11वीं और 12वीं क्लास की। जैसे इनकी ट्रेनिंग समाप्त हुई तो ये ऋषिकेश पहुंच गए, क्योंकि ऋषिकेश इनके भाई रहते हैं, और जैसे ये ऋषिकेश पहुँचे हमें पता चला ये ऋषिकेश है, तो हमने कोशिश की कि हम भी क्यों ना ट्राई करें, क्योंकि इनका आना जाना अब फौज से ऋषिकेश से ही रहेगा। तो हमने ट्राई किया और हम ऋषिकेश आ गए, हमने फ़ोटोग्राफी शुरू कर दी। तो हुआ ये था, आज तक 12 या 13 साल में जितनी भी इनकी जॉब हो चुकी है, जितनी बार भी ये अपने घर से छुट्टी काट के आर्मी के लिए वापस गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये अकेले गए हैं रेलवे स्टेशन तक, मैं हमेशा साथ में रहा, चाहे गाँव में चाहे यहाँ पर। तो बताना ये चाहता हूँ कि दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है,
आप ये चीज़ छोड़ दीजिए कि सामने वाला ही निभाएगा, आप भी निभा सकते हो। अगर सामने वाला ठीक है बंदा तो ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बस थोड़ा मेरे पास कंटेंट यही था आज बनाने के लिए। तो आपको पसंद आ रहा है तो बताइए, नहीं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। मैंने केवल वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, बस अपनी मेमोरीज़ और अपने दिल की बात सेव करने के लिए यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमें नहीं पता, बट लेकिन हम क्या सोचते हैं हमने यही बताना चाहा है इस वीडियो के थ्रू। तो भैया जी, ये बहुत छोटी कहानी थी उनकी या मेरी, मैं इसको बहुत बड़ी बनाना चाहता हूँ। मैं एक मूवी बनाना चाहता हूँ, एक बायोग्राफी बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि 4 मिनट में मैं बहुत बड़ी बात नहीं समझा पा सकता। पर अच्छा लगा मुझे, जितना मैं बोल पाया, जितना मैं कह पाया, मुझे अच्छा लगा। और क्या बोलूँ मैं, हमने जो समय बिताया साथ में वो बहुत अच्छा था, और बहुत सारी मेमोरी है जो मुझे याद है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, दोस्त एक ही हो लाइफ में और अच्छा हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, बस काफ़ी है। क्योंकि सब रिश्ते भगवान बना देता है, भाई बहन सब कुछ, लेकिन एक रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं, खुद चुनते हैं। अगर आप किसी के साथ टाइम पास कर रहे हो दोस्ती के लिए तो मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। बाकी दोस्त एक ही काफ़ी है, अच्छा है, एंजॉय है, मज़ा है, बहुत बढ़िया है, दिल से निभाओ। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और कर दीजिए आपको लाइक सब्सक्राइब अगर ठीक लगे तो, नहीं तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यहाँ तक पहुँचने के लिए।